हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज है 15 अगस्त और अभी मैं इवनिंग में ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 6 बज चुका है और मैं कोशिश करूँगी आज इस ब्लॉग को अपलोड कर दूँ, देखती हूँ। क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पर नेट नहीं चलता, बहुत स्लो होता है। बट क्या करूँ, मैं लेट ब्लॉगिंग ही स्टार्ट कर रही हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो कल जा पाएगा। सो देखते हैं क्या होता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि 8 से 9 बजे तक अपलोड कर दूँ वीडियो मे बी। तो अभी मैं थोड़ी सी अच्छी फील कर रही थी, दवा खाया था मैंने तो थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई और मैं ये मेकअप कर रही थी। मतलब मेकअप कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा झंडे के कलर का मैं कर रही थी। बट मेरे पास सेम कलर है नहीं, बहुत डार्क कलर, ग्रीन कलर नहीं है। ऑरेंज वाइट तो हो गया है बट देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर मैक्स हो गया है वाइट में ही। तो अभी शाम हो चला है और मैं वही ये वीडियो शूट कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फीवर उतरा है ना, और गर्मी है भी आज, हवा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। शाम भी हो गया है फिर भी, और हस्बैंड जी नीचे हैं, कार वॉश कर रहे हैं। और क्या, मैं आज सोचा मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं भी देखते हैं कब तक कंटिन्यू हो पाता है। और अभी शाम हो चुका है, मैं सोची जाऊँगी छत पे, बट हस्बैंड जी नीचे हैं और मैं अकेले अभी जाना नहीं चाहती, बहुत वीकनेस हो गया है मुझे। सो देखते हैं। और आप जा रही हैं, मैं तो बोलते बोलते आवाज़ से भी आप लोग को लग रहा होगा सिर्फ। मतलब मैं देवघर गई थी ना 8 या 9 को शायद गई थी, डेट याद नहीं आ रहा। उसके बाद से मैं मंडे को वहाँ से रिटर्न हो गई थी, और मंडे से मतलब वहाँ गई उसके दो दिन बाद मंडे सैटरडे संडे 2 दिन तो मैं रही थी। फ्राइडे को हम लोग गए थे, बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई थी। फ्राइडे के बाद से सैटरडे संडे थोड़ा सा पेन वगैरह हो गया था, फीवर जैसा हो गया था। उसके बाद से लगातार बढ़ती जा रहा है। इसका तो वोमिटिंग भी हुआ है मुझे, और हस्बैंड जी 2 दिन से खाना बना रहे हैं, बहुत सीरियस। सर्दी जुकाम साथ में बुखार भी हो गया है, तो सर्दी जुकाम तो बहुत परेशान कर लेता है, दर्द वगैरह हेडेक वगैरह सब चलते ही रहता है। तो वही हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी ये ब्लॉग आज पब्लिक कर दूँ, क्योंकि तो बहुत टाइम से ब्लॉग भी नहीं गया है। और जो मैंने देवघर में जो कुछ भी शूट किया था ना 1 या 2 दिन में, कुछ थोड़ा बहुत ही शूट करा था जो भी था, तो वो सब मैं आप लोग को अभी 2 दिन मैंने एडिट कर दिया था तो उसको अपलोड कर दिया। उसके बाद से मुझे एडिट करना, मतलब मोबाइल देखने का मन ही नहीं हो रहा था, ना ही कुछ बोलने का, तो सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। और 1 मिनट, मेरी सिस्टर का कॉल आ रहा है, मैं उससे बात कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। वेदर चेंज हो रहा है ना, इसके वजह से भी बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और उसमें हमारा वैक्सीन का सेकंड डोज का भी टाइम हो चला है। तो अभी मैं सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, अभी तो ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर हो चुका है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है। अब बारी है कॉम्पैक्ट की, थोड़ा सा दिया जला लेती हूँ, उसके बाद से मिलती हूँ। बहुत गर्मी है, जूड़ा भी मैंने कर लिया है, तो मैं सांस का जो दिया होता है वो जलाने जा रही हूँ अभी। तो
यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है और अभी मुझे किचन में जाना है, क्योंकि नहाने से पहले मैंने बाथरूम का बाल्टी में पानी भर लिया था नहाने के लिए, और उसके बाद से टंकी का पानी भी खाली हो चुका था। तो थोड़ा सा मैंने बर्तन वॉश किया था, उसके बाद से वैसे ही रखा हुआ था। तो अभी मोटर चल रहा है तो मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धोऊंगी, उसके बाद से मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है, बिकॉज अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। बट जा रही हूँ सीधा पहले किचन में, और हस्बैंड जी गए हैं मार्केट सामान लाने कुछ। चलिए मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, मैं आप लोग किचन दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है, मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करा है, देख सकते हो आप लोग। बस ये बर्तन मतलब तो किचन बस ऊपर ऊपर से रेक सफाई हो जाता है, डीप क्लीन किए हुए मुझे लगभग पिछले वीक तो हम लोग देवघर चले गए थे, और उसके बाद से इस वीक में हालत ही ख़राब है, तो किचन की डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। मतलब क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस ऊपर का रेक मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, बाकी नीचे वगैरह है। और अभी मेरा फेस देख सकते हो लोग, उतर रहा है चेहरा धीरे धीरे से, आंखें छोटी हो रही, फीवर मतलब आ रहा है फिर से। तो अभी मैं फिर दवाई लूँगी, क्योंकि सुबह मैंने दवा लिया था ना दोपहर के टाइम में। सब सब अभी मैं यहाँ पे लेटी हुई थी तो ये गिर गया है दोपहर में। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, उसके बाद से खाने की तैयारी करने। तो मैं अपना पहनूंगी, तो मैं आ गई हूँ मेरे ड्रेस में, और जुड़ा तो मैंने पहले से कर लिया था। मैं आजकल किचन में बाल खुले करके नहीं जाती हूँ, खासकर मुझे जब खाना बनाना होता है उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि बाल आप लोग देख सकते हो, ऐसे मेरे बाल कभी चिपके नहीं रहते थे, और तकलीफ तो हो ही गई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बाल खराब हो चुके हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मैं तो अभी बन रहा है बिरयानी और वो बना रहे हैं मुझे अभी खीर भी बनाना है, तो मैं अभी खा लूँ गड्डी पे। तो यहाँ पे हमारा वेज बिरयानी रेडी है, बस इसमें अभी पनीर ऊपर से हम लोग डालेंगे। वाओ यम्मी, मशरूम है, मटर है, चना है, पनीर है, पनीर महक, अभी ये सब बाकी है। तो अभी मैं आ गई किचन में, मुझे बनाना है खीर। तो यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने चावल डाला है। यहाँ पे मैं मखाने भून रही हूँ, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से काट के रख दिए हैं। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स को, यहाँ पे हमारी खीर रेडी हो चुकी है और अब हम इसे खाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।